सभी किसान दोस्तों को मेरा यानी कि साबिता ठाकुर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की कुछ खास हलचलें जो आपकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेल्थ, एजुकेशन और न्यू इन्वेंशंस के बारे में। तो आइए, देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में क्या है खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस योजना से खरीफ 2016 में न सिर्फ फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है, बल्कि फसल का समय पूरा होने से पहले ही बड़ी संख्या में किसानों को बीमा की राशि तात्कालिक राहत के तौर पर मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3.79 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र का बीमा कराया है। इसमें सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश, जहां खरीफ मौसम में बाढ़ या ज्यादा बारिश होने के चलते फसल नुकसान होने पर 71,679 किसानों को बीमा का फायदा मिला है। खास बात यह है कि ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को भी फसल बीमा योजना से फायदा हुआ है। ये राशि किसानों को तत्कालिक राहत के तौर पर दी गई है, क्योंकि इस योजना में ये प्रावधान था कि फसल को हुए नुकसान का सही आकलन बाद में किया जाएगा। पहले किसान को बीमा की राशि में से 25% भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश के बीमा कराने वाले किसानों को औसतन 4200 रुपए से अधिक बीमा राशि मिली है। गेहूं की फसल अब खेतों में लहलहाने लगी है और अभी तक जो आंकड़े इकट्ठा हुए हैं उनके मुताबिक गेहूं बुआई का रकबा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। रबी सत्र 2016 और 17 में अभी तक गेहूं की बुआई 309.60 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 289.07 लाख हेक्टेयर थी। यानी कि इस बार गेहूं की बुआई 7.1% से भी अधिक रकबे में हुई है। ICAR के उप महानिदेशक JS संधू ने कहा कि मध्य भारत में गेहूं की फसल पकने वाली है, जबकि उत्तर भारत में अभी पौधे पड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम मानसून की वर्षा कम होने से धान बुआई का काम पीछे चल रहा है और इसका रकबा अभी 14.92 लाख हेक्टेयर है। देखा जाए तो पिछले साल इसी अवधि में धान 19.48 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसी तरह मोटे अनाज की बुआई का रकबा 54.87 लाख है, जो इस साल पहले 58.40 लाख हेक्टेयर था। इसके साथ ही दलहनों का रकबा अभी तक 155.35 लाख हेक्टेयर पर चल रहा है। नोटबंदी लागू होने के 3 महीने बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जी हां, RBI ने सेविंग अकाउंट में बैंक से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। अब ATM से एक बार में 10,000 रुपए तक निकाले जा सकेंगे। नोटबंदी पर ताज़ा गाइडलाइन जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने ये ऐलान किया है कि अब लोग ATM से एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। इसके साथ ही RBI ने चालू खातों से पैसा निकालने की सीमा भी बढ़ा दी है, यानी कि अब ATM से एक बार में 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। अभी तक ये सीमा 4500 रुपए थी। अब आप करंट अकाउंट से 1 लाख तक की रकम ATM के माध्यम से निकाल सकते हैं। अभी तक करंट अकाउंट से 50,000 रुपए निकालने की लिमिट थी। हालांकि एक हफ्ते में 24,000 रुपए तक निकालने की लिमिट में RBI ने कोई बदलाव नहीं किया है। देश में कपास के विकास से जुड़ी सरकारी संस्था भारतीय कपास निगम यानी कि CCI ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इस साल कपास का रकबा करीब 12% कम रहने के बावजूद उत्पादन बढ़ा है। उसने उम्मीद जाहिर की है कि कपास की मांग भी अच्छी रहेगी, जिस वजह से कपास की खपत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में कपास का उत्पादन करीब 4% बढ़कर 351 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें 2015-16 सीजन की, तो इस दौरान देश में सिर्फ 338 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था। एक नज़र इसकी खेती पर डालें तो 2015-16 के दौरान देश में करीब 118 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल यानी कि 2016-17 के दौरान 105 लाख हेक्टेयर में ही खेती हो पाई थी। CCI के मुताबिक कम इलाके में बुआई के बावजूद उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
ज्यादा उत्पादन की वजह से इस साल देश में कपास की सप्लाई अच्छी है, जो खपत को बढ़ावा दे रही है। 2016-17 में पूरे सीजन के दौरान देश में करीब 313 गांठ कपास की खपत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले साल देश में 312 लाख गांठ कपास की खपत हुई थी। 2016-17 में पूरे सीजन के दौरान देश में करीब 313 लाख गांठ कपास की खपत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले साल देश में 312 लाख गांठ कपास की खपत हुई थी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉफी उत्पादन का संशोधित अनुमान जारी किया है। फसल साल 2016-17 के लिए बोर्ड ने 3,16,700 टन कॉफी उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल से 7% कम है। पिछले साल देश में कुल 3.48 लाख टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। देखा जाए तो कॉफी बोर्ड ने इससे पहले देश में लगभग 3.20 लाख टन कॉफी का उत्पादन का अनुमान लगाया था, जबकि इस अनुमान में अब बोर्ड ने 1.03% की कटौती की है। इनमें 96,200 टन अरेबिका और 2.25 लाख टन रोबस्टा कॉफी का उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछली बार बोर्ड ने दोनों किस्म का 1.03 और 2.44 लाख टन उत्पादन की उम्मीद जताई थी। बता दें कि कॉफी उत्पादक राज्यों कर्नाटक और केरल में मॉनसून वापसी में आता है, लेकिन इस बार वापसी में मॉनसून में बारिश नहीं हुई। कर्नाटक में दूसरी फसलों पर भी प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारत में पिछले हफ्ते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई थी, जिससे यहां शीतलहर चलनी शुरू हो गई है, जो रबी फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। उत्तर भारत में कुछ समय पहले हुई कड़ाके की ठंड और शीतलहर रबी की फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। उत्तर भारत में अच्छी बारिश होने से शीतलहर चलनी शुरू हो गई है, जो फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा उत्तरी भारत के काफी बड़े इलाके में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सी फसलों जिनमें पानी की जरूरत होती है वो कमी भी पूरी हो गई है, जिससे बहुत सी फसलों जिनमें पानी की जरूरत होती थी उनमें भी पानी की कमी पूरी हो गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान जैसे राज्य गेहूं और सरसों के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रबी सीजन के दौरान चना और जौ की भी अच्छी खेती होती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों के लिए ये शीतलहर काफी बेहतर साबित होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली के NDMC एरिया सहित कई बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई न होने के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। अमेरिका कृषि विभाग यानी कि USDA ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गेहूं आयात के लिए पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था, अब उससे भी ज्यादा गेहूं का आयात होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3.79 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र का बीमा कराया है। इसमें सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश, जहां खरीफ मौसम में बाढ़ या ज्यादा बारिश होने के चलते फसल नुकसान होने पर 71,679 किसानों को बीमा का फायदा मिला है। खास बात यह है कि यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को भी फसल बीमा योजना से फायदा हुआ है। ये राशि किसानों को तत्कालिक राहत के तौर पर दी गई है, क्योंकि इस योजना में ये प्रावधान था कि फसल को हुए नुकसान का सही आकलन बाद में किया जाएगा। पहले किसान को बीमा की राशि में से 25% भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश के बीमा कराने वाले किसानों को औसतन 4200 रुपए से अधिक बीमा राशि मिली है। शहरी कचरे के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। जी हाँ, सरकार के इस कदम से कम कीमत पर किसानों को आसानी से खाद मिल सकेगा। रबी सत्र 2016-17 में अभी तक गेहूं की बुआई 309.60 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 289.07 लाख हेक्टेयर थी। यानी कि इस बार गेहूं की बुआई 7.1% से भी अधिक रकबे में हुई है। ICAR के उप महानिदेशक JS संधू ने कहा कि मध्य भारत में गेहूं की फसल पकने वाली है, जबकि उत्तर भारत में अभी पौधे बढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम मानसून की वर्षा कम होने से
धान बुआई का काम पीछे चल रहा है और इसका रकबा अभी 14.92 लाख हेक्टेयर है। देखा जाए तो पिछले साल इसी अवधि में धान 19.48 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसी तरह मोटे अनाज की बुआई का रकबा 54.87 लाख है, जो इस साल पहले 58.40 लाख हेक्टेयर था। इसके साथ ही दलहनों का रकबा अभी तक 155.35 लाख हेक्टेयर पर चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 2022 तक झारखंड के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जाएगा। नोटबंदी पर ताज़ा गाइडलाइन जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने ये ऐलान किया है कि अब लोग एटीएम से एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने चालू खातों से पैसा निकालने की सीमा भी बढ़ा दी है, यानी कि अब एटीएम से एक बार में 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। अभी तक ये सीमा 4500 रुपए थी। अब आप करंट अकाउंट से 1,00,000 तक की रकम एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। अभी तक करंट अकाउंट से 50,000 रुपए निकालने की लिमिट थी। हालांकि एक हफ्ते में 24,000 रुपए तक निकालने की लिमिट में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। अब जल्द ही मध्य प्रदेश के किसान खेतों में कृषि पर्यटन केंद्र बना सकेंगे। यहाँ की सरकार ने इसके लिए पिछले महीने ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश के किसान अब खेती बाड़ी को कृषि पर्यटन सुविधा केंद्र के रूप में तैयार कर सकेंगे। कृषि पर्यटन सुविधा केंद्र बनाकर किसान उपज के अलावा अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। यहां की सरकार ने इसके लिए पिछले महीने ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जल्द ही इसे अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की जाएगी। कृषि पर्यटन सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए किसानों को NOC लेना होगा। इन पर्यटन केंद्रों में खेती बाड़ी से जुड़ी ही गतिविधियां रहेंगी, जिसमें सबसे अधिक उद्यानिकी फसलों को तवज्जो दी जाएगी। मध्य प्रदेश के कपास किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य में इस बार कपास की पैदावार काफी अच्छी रही है और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कपास इंडस्ट्री के हित को ध्यान में रखते हुए मंडी टैक्स पर दी जाने वाली 1% की छूट को अगले साल के लिए बढ़ा दिया है। पिछले साल देश में कुल 3.48 लाख टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। देखा जाए तो कॉफी बोर्ड ने इससे पहले देश में लगभग 3.20 लाख टन कॉफी का उत्पादन का अनुमान लगाया था, जबकि इस अनुमान में अब बोर्ड ने 1.03% की कटौती की है। इनमें 96,200 टन अरेबिका और 2.25 लाख टन रोबस्टा कॉफी का उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछली बार बोर्ड ने दोनों किस्म का 1.03 और 2.44 लाख टन उत्पादन की उम्मीद जताई थी। बता दें कि कॉफी उत्पादक राज्यों कर्नाटक और केरल में मॉनसून वापसी में आता है, लेकिन इस बार वापसी में मॉनसून में बारिश नहीं हुई। कर्नाटक में दूसरी फसलों पर भी प्रभाव पड़ा है। हिमाचल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जाने वाले राशन की नई दरें तय कर दी हैं, जिसमें कुछ वस्तुओं के दाम घटा दिए गए हैं और वहीं कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ा भी दिए गए हैं। उत्तर भारत में कुछ समय पहले हुई कड़ाके की ठंड और शीत लहर रबी की फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। उत्तर भारत में अच्छी बारिश होने से शीत लहर चलनी शुरू हो गई है, जो फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा उत्तरी भारत के काफी बड़े इलाके में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सी फसलों जिनमें पानी की जरूरत होती है वो कमी भी पूरी हो गई है, जिससे बहुत सी फसलों जिनमें पानी की जरूरत होती थी उनमें भी पानी की कमी पूरी हो गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान जैसे राज्य गेहूं और सरसों के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रबी सीजन के दौरान चना और जौ की भी अच्छी खेती होती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों के लिए ये शीतलहर काफी बेहतर साबित होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली के NDMC एरिया सहित कई बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई न होने के बारे में। सरकार ने इस साल दलहन का 20 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया था, हालांकि अभी तक सिर्फ 8 लाख टन की खरीद ही हो पाई है। सरकार ने इस साल दालों का 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया था,
लेकिन अभी तक सिर्फ 8 लाख टन ही खरीद हो पाई है। इसमें भी करीब आधी यानी कि 4.06 लाख टन दालें विदेशों से आयातित हैं। इसीलिए अब इसे सरकारी राशन की दुकानों के जरिए बेचा जा सकता है। हालांकि वहां दालें सब्सिडी पर नहीं बल्कि पूरी कीमत पर मिलेंगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि अच्छे मॉनसून के कारण 2016 और 17 के सीजन जुलाई जून में 2 करोड़ टन से ज्यादा दाल उत्पादन की उम्मीद है, जबकि पिछले साल दाल का उत्पादन 1.64 करोड़ टन हुआ था। यमुना में अमोनिया बढ़ने की वजह से दिल्ली के वजीराबाद और चंद्रावल समेत 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के एनडीएमसी एरिया सहित कई बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड के 4 जल शोधन संयंत्र ठप हो गए हैं। इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यमुना के पानी की गुणवत्ता की जांच कराने और हरियाणा के यमुना में औद्योगिक कचरा गिराने से रोक लगा देने की मांग की है। वाटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने कहा कि चंद्रवल प्लांट से आंशिक रूप से पानी की सप्लाई शुरू की गई है। जल बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को यमुना के पानी के सैंपल की जांच कराने को भी कहा है, जिससे पता चल सके कि पानी की क्वालिटी की वर्तमान स्थिति क्या है। इमरजेंसी के लिए टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने के मकसद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा सिंचाई के लिए किसानों को 5 हॉर्स पावर मोटर पंप पर 26,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की जनहित की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साल 2022 तक हर गरीब व्यक्ति के पास उसकी अपनी भूमि एवं अपना मकान होगा। प्रदेश के 16 जिलों में पेयजल और उद्योग के लिए पानी नर्मदा नदी से दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि खरगोन जिले के हर हिस्से में सिंचाई के लिए पानी सरकार उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश के 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्रिस्टान परियोजना से इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना की नहरों से खंडवा, खरगोन और बड़ावनी जिले के 1.23 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा होगी। इससे सिंचाई वाले क्षेत्र जहां नहर से सिंचाई संभव नहीं है, उन्हें सुविधा प्राप्त होगी। इस योजना से 22,000 हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा। मध्य प्रदेश में मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 के अब तक के 10 महीनों में प्रमुख उर्वरकों डीएपी और यूरिया की बिक्री में गिरावट दर्ज की है। मध्य प्रदेश में अब तक के 10 महीनों में प्रमुख उर्वरकों डीएपी और यूरिया की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले के वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान डीएपी में 6% और यूरिया में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। देखा जाए तो इन 10 महीनों में ही खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए इन उर्वरकों की बिक्री सर्वाधिक होती है, लेकिन प्रदेश में इन 10 महीनों में यूरिया की कुल बिक्री 14.5 लाख मीट्रिक टन हुई है और इसी अवधि में डीएपी 7 लाख मीट्रिक टन बिका है। इन उर्वरकों की बिक्री में कमी का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे मानसून और अनुकूल मौसम के बावजूद ये उर्वरकों की खरीद में आई कमी का पैदावार पर थोड़ा असर पड़ सकता है। चीन तेजी से एशिया के ई कचरे का कारखाना बनता जा रहा है। पिछले 5 सालों में यहां से निकलने वाले ई कचरा 107% तक बढ़ गया है। चीन प्रदूषण के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि यहां ई कचरा तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ई कचरे में पुराने टीवी, फोन, कंप्यूटर, ई टॉय शामिल हैं और सबसे ज्यादा वहां का मध्यम वर्ग ई कचरा पैदा कर रहा है। जहरीले पदार्थों की मात्रा बेहद ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया भर में एशिया में ई कचरा पिछले 5 सालों में अधिक पैदा हुआ है। ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के
12 देश कचरों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। इनमें चीन सबसे आगे है। चीन में ई कचरे में 107% का इजाफा हुआ है, यानी कि चीन ने 2015 में 67 लाख टन अधिक कचरा पैदा किया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में यहाँ हर साल 27 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। झारखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक पहल शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के गठन का भी निर्णय किया है। झारखंड की सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। वहीं राज्य में अंडे के उत्पादन और स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले अंडों की आपूर्ति के लिए झारखंड महिला स्वावलंबी पोल्ट्री सहकारी समिति का मनोनयन किया है। लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड लाह, तसर, हस्तशिल्प आदि के क्षेत्र में काम करेगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सखी मंडलों का गठन किया जा रहा है। पूरे राज्य में ऐसे 1 लाख मंडल तैयार किए जा रहे हैं। 5 साल में 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। लाह व रेशम उद्यम बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की देश जारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।